एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी लाइक कि ठीक है, देर आर दीज मैनी इश्यूज, यू डो नॉट हैव कंट्रोल ओवर देम, बट आपकी इतनी सारी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ पार्ट होगा जिसपे आपका कंट्रोल होगा। बहुत सही। तो मैं सारी चीजें नहीं सुधार सकता हूँ, बट जो मेरे हाथ में है उतना मैं कर सकता हूँ ना। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी टॉपर्स इंटरव्यू। तो आपने बहुत सारे ग्रेड बी के टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स, कोई आपको दिल्ली का होता है, कोई मुंबई का होता है, कोई चेन्नई का होता है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दी बड़े शहर। बट टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू अ गांव का छोरा, जो कि एक गांव से निकल के आए हैं और उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। ऑलराइट, सो आई वेलकम यू सिद्धार्थ टू द चैनल एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। एंड गाइज, लेट मी टेल यू दैट ही हैज सिक्योर्ड AIR 50 इन दिस एग्जामिनेशन। So welcome Siddharth to the channel and many congratulations. Thanks a lot. So Siddharth, let's start with the introduction part. I would love to know and the audience would love to know about you. So can you please give a brief introduction of yourself? Okay. So I have completed my graduation in mechanical engineering. It was in 2020 from NIT Bhopal. And then I had worked for about 1 year in some company. It was a mechanical engineering work. In July 21, I left my job. I decided that I am going to prepare full time for RBI, and this was my second attempt. And in this attempt, I cleared the exam. Okay, so Siddharth, as you mentioned, कि आपने job के बाद, job के दौरान ही सोचा कि RBI की preparation करनी है, तो how would you come to know about this RBI grade B? I mean, not UPSC, not SSC, not IBPS PO, not SBI PO, why RBI grade B? I mean, कहाँ से आपको पता चला इसके बारे में? सर, ऐसा था कि 2020 का जो टाइम था उसमें लाइक कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था, एंड देन आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब, आई केम अक्रॉस दिस एग्जाम कि हाँ ऐसा आरबीआई ग्रेड बी करके कुछ है, एंड द रीज़न व्हाई आई फाउंड इट टू बी अट्रैक्टिव वाज इट वाज नॉट एकदम टिपिकल काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यू नो, इट हैज़ सम एवेन्यू, रियली गुड एवेन्यूज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, इट हैज़ गुड एवेन्यूज फॉर लर्निंग अलॉन्ग विद द जॉब, एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट एकदम टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब की, यू नो, इट वॉज यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड द वर्क एनवायरमेंट ऑल्सो सीम्ड कूल, एंड द थिंग वॉज दैट आई वॉन्टेड टू हैव इट इन सम गुड सिटी, सम बिग सिटी, एंड आर बी आई हैज इट्स ऑफिस इन मोस्टली सिटीज, मेट्रो सिटीज एंड सम यू नो स्टेट कैपिटल्स, सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट ओके दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग, एंड देन आई स्टार्टेड बैक इन 2020. ठीक है, ठीक है। तो अभी जब हमारी बात हो रही थी इस इंटरव्यू से पहले, तो यू टोल्ड मी दैट यू बिलोंग टू अ विलेज फ्रॉम एमपी, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा सिद्धार्थ, बिकॉज जनरली हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, इनफैक्ट मेरे को काफी टाइम हो गया, तो आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स गाँव तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं, बट यू आर वन ऑफ देम जो कि गाँव से निकल के आए हैं, तो कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि आई मीन कैसे आपको वहां रह के भी इसके बारे में पता चला एंड कितनी आपको डिफिकल्टी हुई। जैसे आपने बताया कि आपने विलेज में रह के ही प्रिपरेशन करी है, तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, आई मीन क्या वो टैकल कर किया जा सकता है, बाकी और जो स्टूडेंट हैं, जो गांव के लोग हैं, क्या उनके लिए वो पॉसिबल है क्रैक करना? आई वुड से कि पॉसिबल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस एग्जाम के आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड देन इट गेट्स यू गेट सम आईडिया कि हाँ ऐसा कुछ है। आई वाज फ्रॉम एनआईटी, सो यू नो सम ऑफ माई बैचमेट्स आई केम टू नो कि हाँ ये भी तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो हल्का सा आपको आइडिया लग जाता है, एंड कि गाँव में रह के किया जा सकता है क्या, आई वुड बी, इट वुड बी लाइक माई जॉब वॉज इन सम काइंड ऑफ टाउन, लाइक जो मेरा जॉब था इट वॉज गुजरात का जो मिड स्केल का टाउन, काइंड ऑफ टाउन, इट वॉज इवन बिगर टाउन। आई लेफ्ट माई जॉब एंड देन आई मूव बैक टू विलेज, आई फेल्ट कि हाँ घर पे रह कर कर सकते हैं, घर पे रहना है एंड मेरा घर गांव में है, सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है यहाँ पे कर सकते हैं, एंड गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि इसमें एकदम रहता है ना कांस्टेंट मेंटरशिप नहीं चाहिए कि यू कैन रीड द मटेरियल, यू नो दिस द स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड वाज दैट आई वुड रीड द मटेरियल, आई डिडंट रिक्वायर दोस वीडियोस एंड लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक कि ठीक है कोई भी क्लास आएगा डाउनलोड कर लेंगे और फिर देख लेंगे, और जो पीडीएफ वगैरह में तो आसानी रहता है कि यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड देन यू कैन स्क्रॉल थ्रू इट, सो आई फाउंड कि हाँ ये चीज इंटरेस्टिंग है, ये अपन कर सकते हैं, यहाँ पे रह के किया जा सकता है, एंड आई वुड से कि किया तो जा सकता है, लाइक सी देयर इज नो डाउट कि गांव में रिसोर्सेज कम है,
या फिर यू नो वेयर एवर यू बिलोंग देयर आर वेल कभी लाइट चली गई कभी इंटरनेट नहीं है हां देयर आर एक्चुअली दीस वर द इश्यूज देयर इज नो डाउट दैट ऐसे इश्यूज नहीं है एंड इश्यू दीस आर सम जेन्युइन इश्यूज बट द पॉइंट इज कि वेयर एवर यू आर इवन इफ व्हेन आई वाज इन सिटी आई देन आल्सो आई वाज प्रिपेयरिंग अलोंग विद माय जॉब इश्यू ये था कि टाइम नहीं था कम्यूट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था गांव में वो टाइम नहीं लग रहा था एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी लाइक कि ठीक है देयर आर दीस मेनी इश्यूज You do not have control over them. But आपकी इतनी सारी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ पार्ट होगा जिसपे आपका कंट्रोल होगा बहुत सही तो मैं सारी चीजें नहीं सुधार सकता हूँ बट जो मेरे हाथ में है उतना मैं कर सकता हूँ ना तो उतना अपन कर लेंगे फिर देखते हैं क्या होता है yes, I think when there is a will, there is a way. Yes. तो I think ये काफी important है जो कि हर स्टूडेंट को आपसे सीखना चाहिए तो अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो पहला अटेम्प्ट आप बता रहे हैं कि पहला अटेम्प्ट नहीं हो पाया सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया तो इफ आई मे आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग इन फेज वन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट क्या गलत हो गया था उसमें सर ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लग रहा था कि जो प्री वाला रहेगा वो अपना निकल जाएगा कोई उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एंड द स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड वाज कि इसको बस किसी तरीके से क्रॉस कर लेना है और इसका वैसे ही फाइनल में जुड़ता नहीं है और फेज टू की पूरी तरीके से फेज टू को प्रिपेयर करना है एंड मैंने प्रिपेयर काफी अच्छा कर लिया था फेज टू का बट दिक्कत ये हुई थी कि जो मेरा प्री था प्री एग्जाम एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है काफी चेंज हो गया था तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था इस जो 20 वाला जो था 21 वाला हाँ 21 वाला इवन इस साल का भी उससे तो ज्यादा ही डिफिकल्ट आया था एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा चेंज हो गया था तो स्पेशली कुछ सेक्शंस में जैसे जीए वगैरह में ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई न्यूज है तो उसका आउटर पार्ट पढ़ लिया है बट जो क्वेश्चन आ रहा है उसके इनर के भी बहुत इनर वाला जो बहुत डीप वाला कोई पार्ट है वहां से आ रहा है तो दिस इज आई मीन्स इट वॉज लाइक इस बार मैंने क्या किया था कि प्री को ऐसे कि हाँ ये किसी भी तरीके से ये निकालना है कि मतलब हर इंस्टेंट में मैंने ये कहता कि भाई प्री निकालना है फिर ऐसे कि मेंस निकालने है कुछ भी हो जाए फिर भले इंटरव्यू का उस टाइम पे देखेंगे तो दिस इज माय सो बेसिकली एग्जाम के हर स्टेजेस को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मतलब आपके साथ जो हुआ पहले टाइम में आपने सोचा कि प्री निकल जाएगा बट That time the exam came as a bouncer बहुत ज़्यादा difficult आ गया कि जो सामने है ना for example pre अभी नहीं हुआ ना तो वो सबसे बड़ी चीज़ है like उससे बड़ा कुछ नहीं है yes. फिर जब mains वाला आ रहा है तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है yes. फिर interview का देखेंगे उस time पे yes. तो once you cross this way तो ये रहता है at least आप आगे आगे पहुंचते जाएंगे तो एक एक बार आप आगे पहुंचते जाए तो हो जाएगा yes. अगर आपके पास बहुत टाइम है अगर आप एक साल से प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर फेज टू बट अगर आपके पास बच्चे 3-4 महीने हैं देन यू शुड गो फॉर वही बात है कि आप पहले प्री तो निकाल लीजिए और ऐसा है कि प्री के बाद आप कुछ कुछ करके ट्विक करके चीजें खत्म कर सकते हैं बट अगर आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे राइट बिल्कुल सही बात So, अभी अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप हैं आपने अपनी जॉब क्विट करी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन सो कितना जरूरी है इज इट नेसेसरी टू क्विट द जॉब टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन आई मीन क्या ये इतना जरूरी है कि हमें जॉब नौकरी छोड़ के हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्या हम विद जॉब कांट बी प्रिपेयर विद जॉब आई वुड क्लियर हियर कि जो रीजन था मेरा एक्चुअल जॉब छोड़ने का वाज दैट कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स थे वो बहुत बहुत ही ज्यादा हो रहे थे इट वो ऑलमोस्ट वेंट अप टू 12 to 14 इंक्लूडिंग द कम्यूटिंग टाइम माय कम्यूटिंग टाइम वाज रियली टू मच लाइक इट वाज ऑलमोस्ट 3 hours एवरी डे तो बिकॉज ऑफ विच जो था टाइम मेरे पास काफी कम बच रहा था हैड इट बीन सम 8 hour जॉब हैड इट बीन 9 hour जॉब इट वुड हैव बीन कि हाँ 9 घंटे का काम है उसके बाद इफ इट इज अ 12 hour और 14 hour जॉब उसके साथ इट यू नो उसके 2 या 3 घंटे बचेंगे एंड यू नो यू कैन डू इट फॉर सम टाइम बट आप बहुत लंबे टाइम तक उसको नहीं कर सकते स्पेशली इवन जो सैटरडे संडे अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपका ऐसा जॉब है कि 8 hour का जॉब है या 9 hour का जॉब है वीकेंड्स ऑफ है आप आसानी से उसमें किया जा सकता है ऑन दूसरी चीज जो मैं पर्सनली एड करूंगा मैंने जॉब छोड़ा मेरा एग्जाम निकल गया इट्स गुड थिंग I will not say कि भाई you know you should go on this thing because you know if you are leaving your job you are you know putting your mind into a kind of really hard kind of stress state कि भाई निकल गया तो ठीक है बहुत अच्छी बात है it's a do or die situation आपको निकल गया it's a really good thing but हो सकता है आपका ना निकले then you know it has really lot of repercussions yes
बाद के लिए रिग्रेट ना हो, हाँ, बेटर है कि जो भी डिसीजन हो आप एक बार सोच लीजिए, कॉज वो रहता है ना कि यू आर गोइंग टू इनकर सम कॉस्ट इन ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ऑल्सो सिंस यू आर नॉट वर्किंग दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट ऑन योर, सो यू शुड कंसिडर दीज पॉइंट्स इन माइंड. Yes. So basically, सबकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, तो आप आराम से सोच हमें काम करना चाहिए, एकदम दौड़ के मत. ऐसे नहीं कि सिद्धार्थ ने बोल दिया है, सिद्धार्थ ने छोड़ी थी तो अब हम भी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट, सही है. तो लेट्स कम टू दी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पार्ट. सिद्धार्थ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फेज वन, कैन यू प्लीज डिस्कस विद अस इन ब्रीफ अबाउट दी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फेज वन, फेज टू एंड देन इंट्रो. पहले फेज वन की बात कर लेते हैं. फेज वन में जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला पार्ट था, आई फर्स्ट डू दैट वन एंड देन द बिगर पार्ट जीए. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में ये था कि इंग्लिश वाला मेरा पार्ट था, मुझे लगता था कि हाँ ये बन जाएगा, कि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं था. तो मैंने थोड़े बहुत पेपर लगाए थे, एक या दो, बट वो था कि उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा था. तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, इंग्लिश वाला तो अपना संभाल जाएगा, उसको थोड़ा बहुत अपन को देखना है, थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस करी थी. बट जो क्वांट एंड रीजनिंग वाला था वो मेरे को डिफिकल्ट पड़ता था. तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम में मैंने रियलाइज किया था कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो क्वांट एंड रीजनिंग के जो सबसे डिफिकल्ट वाले जो टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ रहती है, फॉर एग्जांपल ऑलिव बोर्ड का एक टेस्ट सीरीज रहता है सेक्शनल वाला, उसमें कुछ प्रो मोड करके रहता है, बहुत डिफिकल्ट किस्म के क्वेश्चन आते हैं. तो वो उसमें मैंने उसमें प्रैक्टिस किया था कि भले ही नहीं बन रहा है, बट हो सकता है एग्जाम में भी उतना डिफिकल्ट आए. एंड इवेंचुअली इस बार सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया कि क्वांट वगैरह देख के लग रहा था कि ये कैसे सवाल है, बट सिंस आई हैड प्रैक्टिस कि हाँ 5-6-7-8 सवाल कर लेंगे. दूसरी चीज थी कि क्वांट में स्पेशली कि इवन रीजनिंग में भी कि एक्यूरेसी की, भाई ठीक है 10 सवाल नहीं करेंगे, 4 करेंगे, लेकिन पूरे एकदम सही के सही होंगे, कि उसमें कहीं पे गलती नहीं होंगी. और जो टाइम मैनेज करने वाला, कि मॉक मैंने काफी लगाए थे कि हाँ ये मॉक लगाने हैं, चीजें खत्म करनी है, मॉक लगाने हैं एकदम. कई बार कॉज ये होता है ना कि इस बार के जो पेपर में, इवन लास्ट ईयर भी, सवाल ऐसे नहीं थे कि एक सवाल आएगा आप सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, कोई आपने कहीं पढ़ लिया होगा कोचिंग में, आप कोई फॉर्मूला लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा, कोई नहीं सकता. इस बार ऐसा था कि डिफिकल्ट सवाल थे कि आपको कुछ वहां पे दिमाग लगाना होगा, एग्जाम सेंटर पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ट्विक्स वगैरह करने पड़ेंगे. तो उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस रखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले पे नहीं जाइए, याद रखिए आपके दिमाग में रख लीजिए, बट हो सकता है वो काम ना आ पाए वहां पे. तो ये क्वांट रीजनिंग इंग्लिश था एंड द जीए, जीए लाइक इट्स अ रियली बिग पार्ट, तो उसका लाइक कोई कंपैरिजन नहीं, इट्स मेजर पार्ट ऑफ द पेपर. तो जीए में मैंने क्या किया था कि एक अफेयर्स क्लाउड का था, आपका जो भी सोर्स हो, मुझे पर्सनली मैंने अफेयर्स क्लाउड किया था और एडुटैप किया था. एटलीस्ट 2 सोर्स रखिए, आप कहीं से भी कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 सोर्स कंप्रेहेंसिवली खत्म करिए. द रीजन इज दैट फॉर एग्जांपल कोई चीज होगी जो एडुटैप, जो फॉर एग्जांपल अफेयर्स क्लाउड है, अफेयर्स क्लाउड एक तरीके से उस सेम न्यूज को कवर कर रहा होगा, अनुज जनरल एडुटैप उसी न्यूज को किसी दूसरे एंड से कवर कर रहे होंगे. एंड फॉर एग्जाम यू नीड बोथ द एंड्स, की पता नहीं सवाल कहाँ से किस पार्ट में से आएगा. एंड जो रहता है कि एकदम डेप्थ में आपको करना पड़ेगा, कि अब वो नहीं रहा लाइक जो रहता था कि 18, 19, 17 में जो कि ऊपर ऊपर का न्यूज का आप ऊपर का पढ़ लीजिए. आप फॉर एग्जांपल कोई टावर बनाए तो वो नाम नहीं पूछेगा कि कौन सा टावर बनाए, इट विल आस्क कि उस टावर की हाइट कितनी थी. तो अब वो होने लगा कि सवाल रहेगा, सवाल में काफी सारा वो डिटेल खुद से दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इसके बाद मुझे इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ, टावर की हाइट कितनी थी, उसका आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्चर हाँ कि शुरू हुआ, एकदम जितना डिटेल रहता है, कौन सी नदी के किनारे है, एवरीथिंग, वो एवरीथिंग. तो बेसिकली जीए हैज बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर नाउ, हाँ बहुत डिटेल. गॉन आर द डेज व्हेन दे वर यू नो दे वर आस्क इंडिपेंडेंस का ईयर पूछा था, तो इस तरीके का काफी वो चेंज हो चुका है. तो आपको मतलब जितना हो सकता है आपको डिटेल में करना होगा, कि आपको बाकी ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ बन जाएगा, बट आपको बाकी लोगों से ज्यादा करना है. यस, तो आप उतना कर लेंगे तो थोड़ा इट वुड हेल्प. तो मतलब बेसिकली जीए पे अगर हमने फोकस कर लिया अच्छे से, हाँ, तो यू नो इट्स ऑलमोस्ट डन की जीए पे करके आप अगर बाकियों का सिर्फ सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, बिकॉज जीए में पार्ट उसका साइज इतना बड़ा है. यस यस यस. तो फेज टू की अगर हम बात करें सिद्धार्थ, तो फेज टू में क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? फेज टू में लाइक 2 पार्ट है, ईएसआई एंड एफएम. मैं एक एक करके करूंगा. कि फॉर एग्जांपल एफएम वाला जो था, एफएम ऑब्जेक्टिव में क्या किया था कि भाई जो भी सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लो, उनके जो ना इन्फॉर्म वगैरह ले लो,
एंड वो काफी स्कोरिंग वाला पार्ट है कि आप सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप निकाल सकते हैं उसमें से. एंड एफएम सारा ये पेपर डिफिकल्ट हुआ है, फेस टू वाला भी डिफिकल्ट हुआ है, बट एफएम अभी भी किया जा सकता है कि मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे वो कुछ उसमें वो नहीं होगा कि भाई कोई थ्योरी पूछेगा या फिर उसका जो रहता है आप एक बार पढ़ लेंगे. बाद मेरे साथ ये था कि मुझे चीजें याद करने में आसानी होती थी कि आई हैव दिस जनरल टेंडेंसी कि मैं चीजें याद अच्छे से कर लेता हूँ. तो ये कि हाँ ये पढ़ लेंगे, दो बार तीन बार पढ़ लेंगे. रिवीजन बहुत जरूरी है जीए के लिए, एफएम के लिए, दोनों के लिए. आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, मैंने ये स्ट्रेटजी यूज किया था कि मैं पीडीएफ से पढ़ता था बिकॉज मेरे लिए वही फीजिबल था. तो सिंस पीडीएफ में नेट भी नहीं लगता, आपको सिर्फ डाउनलोड करके उसको स्क्रॉल करना है, तो मैंने ये किया था कि एक बार आपने पढ़ लिया आप उसमें हाईलाइट कर लीजिए, दूसरी बार उस जो हाईलाइटेड पार्ट में से जो आप भूल रहे हैं आप उसको हाईलाइट कर लीजिए दूसरे कलर से, तीसरी बार आपके दूसरे कलर से भी आप कुछ पार्ट भूल रहे होंगे आप उसको कर लीजिए. तो इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा कि हाँ लास्ट तक आपका ये है कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जितनी बार आप उसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं. मैंने पर्सनली ये किया था कि फॉर एग्जाम्पल एक पूरा टॉपिक हो गया तो भले अब हो सकता है लास्ट तक ये हुआ था कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था, तो इवन मैंने ये तक किया था कि कल एग्जाम था अगर आज मैं रात तक ट्रेन में जा रहा हूँ तो मैंने ट्रेन में भी एक बार स्क्रॉल कर लूंगा कि मेरी आंख अगर हर थोड़ा सा उसको देख लेगी ना अगले दिन पेपर में आएगा और तो बन जाएगा. कि इवन लाइक एक एग्जाम एक क्वेश्चन भी था लाइक मैं एग्जाम हॉल के जस्ट पहले ही वो पार्ट पढ़ा था एंड वो पार्ट एग्जाम में आया था बिकॉज उसको स्क्रॉल किया था, तो दो चार पॉइंट आपने उस पर लिख देंगे. ये है ना एफएम के डिस्क्रिप्टिव में भी सेम चीज अप्लाई होती है कि आपने सारी चीजें पढ़ ली. वन थिंग जो मैं बोलूंगा कि आप हो सके तो छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए. मैंने जो एडोटाइप वगैरह से किया था तो उसमें एक बने हुए थे माइंड मैप्स टाइप के, तो अगर ऐसा कुछ रहता कि आप कहीं ना कहीं से जो रहता ना हर टॉपिक के चार या पांच पॉइंट आपके पास हो कि कोई भी थ्योरी है मैनेजमेंट की कोई भी थ्योरी है आप पांच उसके कीवर्ड रखिए अपने पास में, बिकॉज कीवर्ड आपके पास रहेंगे तो आप पांच उसके पॉइंट बना देंगे आंसर में. एंड आंसर में जो मैंने ये सोच के रखा था कि भाई कोई भी सवाल आता है हर सवाल के हर टॉपिक के अपने पास पांच कीवर्ड रखे हों, बिकॉज पूरा टॉपिक एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं किया जा सकता, पूरे टॉपिक की एकदम डिटेल में नहीं किया जा सकता, पांच कीवर्ड लेकिन किए जा सकते हैं ना. तो उतना अपन कर लेंगे और उतना करके अपन जो रहता है उसको स्मूथ सा कुछ करके लिख के आएंगे. तो एफएम में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव में दोनों में मैंने ये चीज करी थी. ईएसआई में बोलूं तो ईएसआई का काफी वेग सा रहता है कि यू नो जो उसका एरिया भी है वो भी काफी वेग है एंड जो उसके क्वेश्चन है वो भी काफी इस बार का डिफिकल्ट भी आया था. सो ईएसआई ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने क्या किया था कि जो रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स वाला पार्ट है इस बार आपने भी नोटिस किया होगा कि स्कीम्स काफी डिफिकल्ट पूछ रहा है, बहुत ज्यादा अंदर तक पूछ रहा है. अब वो नहीं पूछ रहा कि स्कीम्स का नाम नहीं बताता है क्वेश्चन में कि अब स्कीम्स की काफी डिटेल बताता कि ये एक स्कीम थी इस टाइम पे लॉन्च हुई थी, अब इस स्कीम में ये क्या होता है, तो आपको अंदाजा लगाना आना चाहिए कि हाँ ये किसान संपदा की बात कर रहा है या ये मनरेगा की बात कर रहा है. तो उसके लिए स्कीम्स को जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं लाइक स्कीम्स को उसको एग्जामिनर को भी पता है कि आप स्कीम्स पढ़ के जाएंगे आपको भी पता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट सवाल वहां पे से लगाएगा. एंड जो दूसरा पार्ट रहता था जो रिपोर्ट्स वाला, रिपोर्ट में पर्सनली जो मैंने किया था कि भाई जो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है तो ज्यादातर जो वर्ल्ड बैंक की यूएन की इन सब की कोई रिपोर्ट रहती है तो उनकी एक एग्जीक्यूटिव समरी आती है. एग्जीक्यूटिव समरी से पढ़ने में ये फायदा था कि फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल आ जा रहा है रिपोर्ट का, तो अच्छी बात तो यह कि अच्छी बात या बुरी बात जो भी कहेंगे उसमें से सात या आठ नंबर का आएगा, लाइक दो दो मार्क्स के चार सवाल रहेंगे. अब वो अगर आपको इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा बिकॉज अगर वो छूट गया तो आठ नंबर बहुत लाइक इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. तो आठ चार सवाल के लिए आपने अगर एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी होगी तो फायदा ये रहेगा कि जो पैसेज आता है वो एग्जीक्यूटिव समरी में से काट के आता है कि जो लाइक एकदम आपको क्या रहेगा ना याद आ जाएगा कि हाँ दिमाग में हल्का हल्का याद रहेगा कि हाँ फॉर एग्जांपल इस साल का भी जो क्वेश्चन था उसमें मुझे ऐसा याद था कि हाँ ये कुछ पढ़ा है मैंने, ऐसे कुछ नंबर्स थे जो मैंने कुछ पढ़ा है, तो आप मार्क कर पाएंगे भले आपको एग्जैक्ट याद ना रहे, आपको रफ रफ भी याद रहेगा तो आप उसमें एटलीस्ट मार्क कर पाएंगे अगर आपने सेम चीज पढ़ी होगी. एंड वो पैसेज जो रहेगा जो कंपाइलेशन में इससे उठा के नहीं देगा, वो जो पैसेज रहेगा वो मतलब दिस इज व्हाट आई थिंक, वो पैसेज नॉर्मल सी बात है कि वो एग्जीक्यूटिव समरी में से उठा के देना आसान है और थोड़ा सा डिटेल वो रहेगा. तो ये चीज करी थी ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, इट हेल्प मी कि भाई मेरा स्कोर सही सा आया था उसमें. और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था इट वाज क्वाइट ट्रिकी, लाइक ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव लाइक आई रियलाइज कि इसमें इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं
और उस टाइम पे लाइक काफी कम टाइम बचा था, लाइक बेयरली सम 15 डेज बचे हुए थे. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब इस टाइम पे पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता है. देन आई थॉट कि भाई ठीक है, ये पूरा नहीं हो सकता, अभी इस सिचुएशन में बेस्ट क्या किया जा सकता है. तो आई डिसाइडेड कि हर टॉपिक का एक बहुत बहुत रफ पता चल जाए तो चल जाए, नहीं चले कोई बात नहीं. बट एक चीज अपन करेंगे कि आंसर जो रहता है उसको अपन बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट करेंगे, कि कोई भी सवाल हमारे सामने आ जाए अपन उसका एक अच्छा रहता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें. और दूसरी चीज कि जो आपका जो आंसर है, मैंने ये सोचा था कि मेरे आंसर में आई डोंट नो कि उन्होंने नंबर किस चीज के दिया, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक कि थॉट कि भाई मैं जो भी आंसर लिखूंगा उसमें जो सबसे जो दूर का जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा अनकनेक्टेड पीपल हैं, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, इनके बारे में लिखेंगे कि इन तक हमारा जो भी इश्यू है वो कैसे रिलेटेड है. राइट, एससी एसटी वुमेन के बारे में तो हर कोई लगता है, पीबीटीजी के बारे में कोई नहीं लगता, ट्रांसजेंडर्स के बारे में कोई नहीं लगता. आई थिंक ये काफी स्मार्ट अप्रोच थी आपका. सो दिस इज व्हाट आई अप्रोच्ड, कि भाई फॉर एग्जांपल कोई सवाल आ रहा है तो एससी एसटी के बारे में आप लिख सकते हैं, बट अगर आप उसमें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स लिखेंगे तो आप बेहतर तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं कि आपका जो बेस है थोड़ा ज्यादा है, क्या इंफॉर्मेशन है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. एंड फॉर एग्जांपल इस साल अगर कोई सवाल कि कोई भी सवाल आ रहा है, आप उसको जितने ज्यादा रियलिस्टिकली, ऐसा नहीं कि आपने एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से लिख दिया, आप उस सेम सवाल को 5 या 6 डायमेंशन होंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन था रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आपका उसमें वुमेन एम्पावरमेंट में भी उसका इम्पैक्ट आएगा. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से आपका जो रहता है कि कास्ट बेस्ड जो रहता है, जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो कम होंगी, लोगों के पास बेहतर वो आएगा. आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें आप ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आप कर सकते हैं, उसको ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा अच्छे से सोचेगा. चौथी चीज की भाई आप ज्यादा अच्छा जो आपका अर्निंग रहेगा पूरा एक पूरे विलेज के लिए वो काफी बेहतर रहेगा. तो कोई भी सवाल आता है अगर आप उसको 5 या 6 तरीके से आप सोच पा रहे हैं, 5 या 6 तरीके से लिख पा रहे हैं. तो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे ये किया था कि मुझे लाइक टाइपिंग में दिक्कत थी, तो मैं ऐसे कि चलो ठीक है टाइपिंग अब नहीं हो रही, इतना टाइम नहीं है तो ठीक है, बट एटलीस्ट इतना कि सवाल मैंने देखा उसके मैंने 5 पॉइंट बनाए, 5 पॉइंट ये, 5 पॉइंट ये, कि 5, 10, 10, 15 हेडिंग में मतलब कोई भी सवाल आ रहा है उसमें 15-16 कीवर्ड में सवाल देख के मुझे आने लगे. ये अप्रोच मैंने डेवलप किया था एंड इट हेल्प्ड इन अ वे कि मैं काफी कम लिख पाया था. लाइक सिंस मेरा टाइपिंग स्पीड ज्यादा नहीं था तो मेरे सारे आंसर बहुत कम कम वर्ड्स के थे. 600 वर्ड वाले में मैंने 350 से 400 लिखे थे एंड 400 वाले में मैंने 250 से 300 लिखे थे. एंड इवन एक सवाल था जिसमें जो आखिरी वाला था टाइम नहीं बचा था तो बेयरली 400 वर्ड्स को लिखना था, मैंने बेयरली 150 लिखे थे. पर अगर 150 वर्ड है तो उसमें भी जो मेन कीवर्ड्स रहते हैं आप 150 में से एटलीस्ट कम से कम 50 कीवर्ड होंगे उसमें. तो ये ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर एग्जामिनर देख रहा है तो उसको मैं ये बता दूं कि यार देखो मुझे ये सारी चीजें पता थी, हो सकता है मैं ना लिख पाया हूं. तो दिस इज व्हाट आई थिंक, आपके शब्द में इतना दम होना चाहिए कि लंबाई मैटर ही ना करे. आई वुड से कि अगर आप टाइपिंग स्पीड अच्छी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, इसमें इट वुड ऑलवेज बी बेनिफिशियल. बट इन केस ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, या फिर लास्ट का टाइम आ गया, आपकी टाइपिंग स्पीड एक दिन में तो बढ़ेगी नहीं, 15 दिन में 20 दिन में नहीं बढ़ेगी, उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, आप नहीं कर पाए, इस सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जा सकता है कि हाँ हम जो इतना लिख रहे हैं उसको अच्छे से कर लें. आई थिंक ये काफी स्मार्ट अप्रोच आपने अपनाई थी कि ठीक है अगर टाइपिंग स्पीड नहीं भी है तो भी हम कैसे उस चीज को मैनेज करें, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नहीं होती यार कि कोई ऐसा आदत नहीं होता है कि एकदम. तो अब इंटरव्यू पे आ जाते हैं, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, तो जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि बिकॉज जनरली लोगों के दिमाग में एक डर रहता है कि यार मतलब कैसा रहा होगा, या जो जाने वाला है आगे उसके भी दिमाग में लगेगा कि हाय राम क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. लाइक द थिंग वॉज कि मैंने का जो प्रिपेयर किया था उससे काफ़ी ही अलग सवाल थे एंड मोस्टली जो सवाल थे वो वैसे नहीं थे कि जो आपने कुछ पढ़ा है उसमें से. आपको टू एट द मोमेंट सोच कर ही आपको जवाब देना था, या फिर एट द मोमेंट ही आपको थोड़ा सा जो पता है थोड़ा जो ऐड करके उसमें कुछ जवाब देना था. तो उस किस्म का था.
कई सारे जो सवाल थे जो मुझे नहीं बने थे, लाइक टेक्निकल में भी कई सारा पार्ट था जो मुझे नहीं बना था, एंड जो बायोडाटा वाला पार्ट भी मुझे कई सारा नहीं बना था, बट आई ट्राई टू मेंटेन काम टिल द लास्ट मिनट, एंड इट वाज माइन वाज काइंड ऑफ लिटिल स्ट्रेस इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग, लाइक दे वुड आस्क समथिंग, देन दे वुड से कि ये आपको पता होना चाहिए, देन आफ्टर दो या तीन सवाल वैसे थे वैसे कि आपको ये भी नहीं आता है ये चीजें, मतलब आपको यू नो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग, बट आई ट्राई टू मेंटेन कंपोजर कि हां ओके सर आई विल जस्ट लर्न अबाउट इट, I do not know about this thing. I tried not to give some wrong answers rather than, you know, I choose to say ki, I'm sorry, I do not know about this. So it's easier when it's one question when you do not know anything. But, you know, when sometimes it happens ki aapko ek sawal nahi aa raha, phir dusra nahi aa raha, phir teesra nahi aa raha. At that time it becomes quite difficult ki aap chautha wale mein aap kya bolenge ki bhai agar ye bhi nahi aata to kya. But I would say कि अगर नहीं आ रहा है तो आप जबरदस्ती don't cook up something over there, they will know it. It's better कि आपको जितना आ रहा है आप ईमानदारी से उतना बता दीजिए and try to maintain कि काम till the last moment. Yes. And it worked for me. I think it is very important to maintain your calm and composure during the interview because that is actually personality test and not the knowledge test. They are not testing your knowledge and even आप बता रहे हो कि आपका interview का experience ऐसा था तब भी आपको 60 marks मिले हैं. है ना, जो कि एक अच्छे मार्क्स हैं, ऑफ कोर्स 75 में से 60 आरबीआई का तो रिकॉर्ड है सिंगल डिजिट नंबर देने का. तो आई थिंक द आइडिया इज टू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर. तो जो भी है जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, बिकॉज नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है फेज 2 में. अब अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन तो होता है जनरली कि इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, ये सारी चीजें होती है. बट यस, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो ठीक है सिद्धार्थ, तो चलते चलते कोई आखिरी इम्पोर्टेंट मैसेज आपकी तरफ से जो कि आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. इट्स जस्ट दैट यू नो कि आप कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके हो सकता है बहुत सारी आप इश्यूज में हो या बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से ना चल रही, बट वट एवर यू आर डूइंग लाइक यू कैन क्लियर दिस एग्जाम अगर आप इफ यू पुट इन द हार्ड वर्क. And I think that, you know, this exam is not about ki kisne kitna zyada padha hai. There were people who knew more than me. But I think exam ye jo pura hai na, ye is cheez ka hai ki aapne plan kiya tha, aapke plan ke hisab se cheeze nahi chali. Ab is situation mein aap kya best kar rahe hain. Aapne ho sakta hai 100 cheeze karne ka socha ho, aap kuch bhi nahi kar paaye hain. Aapke paas 4 din bache na, aap isme kya kar rahe hain. Aapke paas 1 din bacha hai, aap is 1 din mein kya kar rahe hain. इट्स ऑल अबाउट कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी. इसके बाद भी आप गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो रहता है ना, आप कंटिन्यू करते रहें कि मतलब वो जो चीज रहती है कि इट वुड ऑलवेज बी कि हाँ नहीं हो रहा है, लगेगा कि आई और आफ्टर फेज 1 आई थॉट कि नहीं होगा क्लियर, बट हो गया. फेज 2 के बाद आई थॉट कि नहीं होगा, इंटरव्यू के बाद आई वाज श्योर कि भाई अब तो बिल्कुल नहीं होगा, बट हो गया. द पॉइंट वाज दैट कि इवन व्हेन यू थिंक कि भाई नहीं हो रहा है फेज 1, बट स्टिल कीप ऑन स्टडीइंग फॉर फेज 2. इवन इफ यू थिंक भाई फेज 2 वाला नहीं हो रहा है, तब भी आप कर लीजिए. इवन इंटरव्यू में भी आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो आई फेल्ट कि देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू नो इट वाज लाइक कि आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता. एट दैट टाइम ऑल्सो इफ यू आर ट्राइंग कि ठीक है इतना सब नहीं आता, इतनी सब चीजें, उसके बाद भी मैं अपना बेस्ट दू, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वुड मैटर इन द एंड कि आपके आस पास की चीजें आपके हिसाब की नहीं थी, आपको चीजें नहीं कर पाए, बट फिर भी आपने कंटिन्यू किया. And this exam is all about this thing ki kaun hai jo last tak teach raha hai. That's very beautiful message Siddharth for the students, and thank you so much for coming to the channel, and I wish you all the very best for the new life. So that was Siddharth guys for us, and I hope you guys have enjoyed this interview. So aapne jaisa suna hoga ki jab tak jaloge nahi tab tak suraj kaise banoge. So I believe yahi ek message hum Siddharth ki journey se le sakte hain. Ek chote se gaon se uthke unhone प्रीमियर एग्जामिनेशन को क्लियर करा एंड ही इज विद अस टुडे और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करा. ही हैज गॉट ईआईआर 50 एज यू नो. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हिज जर्नी एंड या दैट्स इट फॉर दिस इंटरव्यू सेशन. एंड इफ यू हैव एंजॉयड इट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.